कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए चाहिए हमें कंक्रीट, और कंक्रीट के लिए चाहिए हमें सीमेंट। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बताने वाला हूँ सीमेंट के बारे में। व्हाट इज़ सीमेंट? सीमेंट एक ऐसी बाइंडिंग मटेरियल है जो कि खुद से भी बाउंड बना सकता है और किसी और मटेरियल के साथ में भी। अगर हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और वाटर मिक्स करते हैं तो इससे बनता है मोर्टार, जो कि हम वॉल मेजनरी में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें ग्रेवल यूज़ करें तो ये बन जाता है कंक्रीट, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास दो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कैल्सेरियस मटेरियल और आर्गिलेसियस मटेरियल। आर्गिलेसियस मटेरियल में हमारे पास आती है क्ले और कैल्सेरियस मटेरियल में आती है हमारे पास लाइमस्टोन। पहले जब हमारे पास सीमेंट नहीं थी तो हम लाइम ही यूज़ करते थे। आपने कई बार सुना होगा लाइम कंक्रीट, लाइम सीमेंट। लाइम एक बहुत अच्छी बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं अपने सीमेंट में। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी भी हम 62-65% लाइम ही यूज़ करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप में से 3% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे हम ग्रो कर पाएँ। दुनिया में लगभग हर साल 4 बिलियन टन से ज़्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें से हाफ तो चाइना ही ओन करता है, और इससे दुनिया में 8% से भी ज़्यादा CO2 इमिशन होता है। अगर हम 1000 kg पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर करें तो इससे 900 kg CO2 इमिशन होता है। हम आखिर कंस्ट्रक्शन में सीमेंट ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि और कोई मटेरियल ही नहीं है जो इतना अच्छा बॉन्ड बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।